नमस्कार दोस्तों, मैं हूं जितेंद्र चौधरी। स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल जेके एडुटेक में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे ऑयल सेक्टर के किंग ONGC के बारे में, यानी कि ऑयल एंड नेचुरल गैस कॉरपोरेशन के बारे में आज हम बात करेंगे। निफ्टी 50 का एक दिग्गज स्टॉक और डिविडेंड बांटने में भी काफ़ी अच्छी कंपनी है, तो आज जो है इस कंपनी के बारे में पूरा एनालिसिस करेंगे। तो प्लीज़ वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक ज़रूर देखिएगा। और जो सबसे पहले आज की जो लेटेस्ट न्यूज है, क्योंकि आज तो ONGC में तीन न्यूज आई हुई है, सबसे पहले हम पहला न्यूज कवर करने की कोशिश करेंगे। CCI अप्रूव्स 26% स्टेक बाई इन ONGC त्रिपुरा पावर कंपनी बाई गेल, यानी कि 26% की हिस्सेदारी जो है ONGC में गेल के द्वारा जो है CCI ने यहाँ पर अप्रूव कर दिया है त्रिपुरा पावर कंपनी वाले प्लांट में। तो यहाँ पर 26% स्टेक जो है बाई गेल के द्वारा जो है ख़रीदा जाएगा त्रिपुरा पावर में। तो आप सोच सकते हैं कि इसमें एक बड़ा इन्वेस्टमेंट होने जाने वाला है, और इसी के कारण जो है इसमें एक बड़ी रैली आपको आज की डेट में देखने को मिली है। देखिए, चार्ट ठीक है, लोग बोलते हैं कि आप स्विंग ट्रेडिंग करते हैं तो चार्ट ही सब कुछ होता है। देखिए, चार्ट तो ठीक है, लेकिन फंडामेंटल और न्यूज़ का बहुत कमाल होता है। यदि आप न्यूज़ को कवर नहीं करेंगे तो सही समय पर जो है उस रैली में शामिल नहीं हो पाएंगे। तो जब रैली शुरू हो तो उससे पहले यदि आप उसमें शामिल होंगे तभी जो है आप स्टॉक मार्केट से पैसा कमा पाएंगे। तो आपको न्यूज़ से जो है अपडेट होना पड़ेगा। तो यहाँ पर CCI ने जो है अप्रूव किया है 25% स्टेक खरीदने का, एक अच्छी न्यूज है। और यहाँ पर जो है किसके द्वारा खरीदा जाएगा, गेल इंडिया। CCI का मतलब होता है कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया। इन्होंने ट्वीट के माध्यम से ये जानकारी दी है। आपको बता दें कि गेल इंडिया भी ऑयल सेक्टर की एक कंपनी है, ऑयल एंड एनर्जी से रिलेटेड, और पिछले साल इसको जो है निफ्टी 50 से बाहर कर दिया गया था क्योंकि परफॉर्मेंस उतनी अच्छी नहीं थी। तो आपको नहीं भूलना चाहिए कि गेल इंडिया जो है निफ्टी 50 का एक स्टॉक है, पहले रह चुका है। और आज की डेट में आप लोगों ने देखा है कि 2.69% की शानदार तेज़ी आपको इस मार्केट के न्यूट्रल मार्केट में जो है देखने को मिली। काफ़ी समय के बाद जो है इतनी तेज़ी जो है ONGC के शेयर में आपको देखने को मिली है। उसके अलावा दूसरी सबसे बड़ी न्यूज़ है दोस्तों कि ICRA ने जो है यहाँ पर NCD को लेकर, यानी कि नॉन कन्वर्टिबल डिबेंचर बांड को लेकर जो है यहाँ पर ONGC में जो है ए प्लस की रेटिंग दी है, यानी AAA की रेटिंग यहाँ पर दिया गया है ONGC में ICRA के द्वारा। क्यों? क्योंकि NCD बांड को लेकर, नॉन कन्वर्टिबल डिवेंचर बांड्स को लेकर जो है यहाँ पर ICRA ने जो है रेटिंग दी है AA की। तो ये भी एक अच्छी बात है, ये दूसरी शानदार न्यूज है, क्योंकि इससे भी कहीं ना कहीं जो है ONGC को एक बहुत बड़ा सपोर्ट मिलने वाला है। अब आगे हम बात करेंगे कि हमारी रणनीति जो है क्या होनी चाहिए ONGC के शेयर में। लेकिन उससे पहले आपको बता दें कि जो 7,500 करोड़ रुपए का जो NCD के ज़रिए जो है ये पैसा उठाने वाली है ONGC, इसको लेकर ही यहाँ पर जो है ICRA ने AA की रेटिंग दी है, क्रेडिट रेटिंग दी है। अब हम इस कंपनी के कुछ फंडामेंटल एनालिसिस करेंगे और जानेंगे कि इस कंपनी के बेसिक फंडामेंटल्स के बारे में। देखिए, किसी भी स्टॉक में जो रिटेल निवेशक होता है वो धोखा क्यों खाता है, इसलिए क्योंकि वो रिसर्च के बाद पैसा नहीं लगाता है, वो पहले पैसे को निवेश करता है, फिर यूट्यूब पर जाकर वीडियो देखता है, उसके बाद जो है गूगल में जाकर कोई इन्फॉर्मेशन सर्च करता है उस कंपनी से रिलेटेड, और वो अच्छी न्यूज आती है तो उसको खुशी होती है। लेकिन यदि यही काम निवेश करने से पहले आप करें तो आपको कभी नुकसान नहीं होगा। और तीसरी सबसे बड़ी न्यूज, यहाँ पर एक ब्रोकिंग फर्म ICICI डायरेक्ट के द्वारा जो है यहाँ पर बाई कॉल दिया गया है, 214 रुपये का जो है टारगेट प्राइस रखा गया है ICICI डायरेक्ट सिक्योरिटीज के थ्रू। तो ये एक ब्रोकिंग फर्म है ICICI डायरेक्ट, तो इन्होंने टारगेट दिया है 214 रुपये का, यहाँ पर इन्होंने बाइंग रेटिंग दिया है। तो ये तीन धमाकेदार न्यूज़ जो है ONGC स्टॉक्स में आज की डेट में आपको देखने को मिली। अब हम चलेंगे कुछ बुनियादी चीज़ों के बारे में, जानेंगे कि इस स्टॉक्स में यदि हम एंट्री लेते हैं तो हमारी रणनीति क्या होनी चाहिए, टारगेट्स क्या होंगे, सपोर्ट लेवल क्या होंगे। लेकिन उससे पहले एक और चौथी न्यूज जो अभी स्टॉक मार्केट में 10 मिनट पहले आई है ONGC को लेकर, ये भी जानना आपको ज़रूरी है। ONGC विदेश
लिमिटेड यानी कि जो ONGC OVL है ये प्लान कर रहा है कितने का, 700 मिलियन का जो है ओवरसीज इन्वेस्टर को जो है इस कंपनी में जो है 700 मिलियन ओवरसीज जो है डालने की प्लानिंग चल रही है। इससे जो इसके पुराने लोन्स है वो चुकता हो जाएंगे। मार्केट कैप की बात करें तो 153,688 करोड़ की कंपनी है। अभी इसका करंट प्राइस 122 रुपये चल रहा है। इसका 52 वीक का हाई प्राइस 128 रुपये है, 52 वीक का लो प्राइस 64 रुपये 10 पैसे है। स्टॉक भी इस कंपनी की 7 रुपये 19 पैसे है। बुक वैल्यू इस कंपनी की 176 रुपये है। कंपनी अच्छा हेल्दी डिविडेंड देता है, 2.95% का जो है डिविडेंड यील्ड है इस कंपनी का। ROE जो है इस कंपनी का 7.39% है। ROCE जो है इस कंपनी का 9.95% है। फेस वैल्यू इस कंपनी की 5 रुपये है। और जिस सेक्टर से एक कंपनी बिलोंग करती है यदि उस सेक्टर को आप एनालाइज करें, विश्लेषण करें, तो आप पाएंगे कि नंबर वन कंपनी ONGC अपने सेक्टर की एक दिग्गज कंपनी है। उसके बाद आता है ऑयल इंडिया दूसरे नंबर पे, और फिर जो अन्य कंपनियां हैं वो आती हैं। इसके अलावा ONGC के सेल्स पर आप फोकस करें तो आप पाएंगे कि हर साल इसके सेल्स में शानदार तेज़ी देखने को मिल रही है। हालांकि मार्च 2021 यानी पिछले साल कोविड की वजह से थोड़े से सेल्स में इसके डाउनफॉल देखने को मिला, लेकिन इस साल अभी करेंट फिस्कल ईयर में जो है 4,06,212 करोड़ का सेल्स जो है इस कंपनी में देखने को मिला है। क्योंकि पिछले साल लॉकडाउन की वजह से COVID-19 जो महामारी आई थी उसकी वजह से जो है पूरे देश में कई महीनों तक 3 महीनों तक लॉकडाउन लगाया गया था, उसी के कारण जो है इसमें थोड़ी सी सेल्स में गिरावट देखने को मिली और प्रॉफिट में भी ऐसा ही देखने को मिला। लेकिन नेट प्रॉफिट आप देखें तो हर साल जो है इस कंपनी का प्रॉफिट जो है 20-25% के साथ जो है ग्रोथ कर रहा है। तो ब्लू चिप स्टॉक्स में पैसे निवेश करने का, लार्ज कैप की कंपनी में पैसे निवेश करने का यही एक फ़ायदा होता है कि आपको डर नहीं रहता है। तो यदि आपने ONGC शेयर्स में किसी भी लेवल पर खरीदे हैं तो आपको घबराने की बात नहीं है, क्योंकि ये निफ्टी 50 का दिग्गज स्टॉक है। प्रमोटर्स की बात करें तो 60.41% की शेयर होल्डिंग पिछले 4 सालों से बनी हुई है। FII ने जो है अपनी शेयर होल्डिंग थोड़ा सा यहाँ पर कम किया है। पहले मार्च 2021 में 8.08% था, अब थोड़ा सा कम होकर जो है 8.06% हुआ है। वहीं पर DII ने जो है अपनी शेयर होल्डिंग बढ़ाई है और DII की शेयर होल्डिंग इस कंपनी में 17.60% की है। पब्लिक के पास 13.93% की शेयर होल्डिंग है। तो कंपनी का फंडामेंटल काफ़ी अच्छा है, कंपनी का सेल्स रिटर्न अच्छा है, कंपनी की नेट प्रॉफिट अच्छी है, कंपनी का बैलेंस शीट अच्छा है। लेकिन इसके अलावा यदि आप टेक्निकल चार्ट को देखते हैं और स्विंग ट्रेडिंग करते हैं तो आपके लिए एक बढ़िया मौका है, क्योंकि 52 वीक हाई को जो है ये ब्रेक करने की तैयारी में लगा हुआ है। तो थोड़ा सा देखिए पेशेंस आपको रखना पड़ेगा। जब बड़ा धमाका हो जाता है, जब उसमें एक बड़ी रैली आ जाती है, तब आप उसमें पार्टिसिपेट करते हैं तो आपको मिलता कुछ नहीं है। तो किसी भी स्टॉक्स को खरीदने से पहले जो है आप रिसर्च कीजिए, तब जाकर निवेश कीजिए। विदाउट इन्वेस्टिगेशन और विदाउट रिसर्च के आप जो है किसी भी शेयर को खरीदेंगे तो नुकसान के सिवा आपको कुछ नहीं मिलेगा। बात करें इसके रेजिस्टेंस लेवल की तो 130 रुपया इसका अगला जो है अगला रेजिस्टेंस लेवल होगा और यही आपका टारगेट प्राइस होना चाहिए, क्योंकि 130 रुपये का लेवल जैसे ही क्रॉस होगा इसमें एक बड़ा विस्फोट आपको देखने को मिल सकता है। 115 रुपये का जो सपोर्ट लेवल है इसका सबसे स्ट्रांग सपोर्ट लेवल है, लेकिन सबसे बड़ी बात है कि इस ये जो है सब कोई नहीं खरीद पाता है, सब कोई जो है इसमें निवेश करना नहीं चाहते हैं, क्योंकि ये डिविडेंड वाले शेयर्स हैं और थोड़ा स्लो चलते हैं। अन्य शेयर्स की तुलना में ये जो है स्लो चलते हैं, तो इसमें आपको थोड़ा सा जो है धैर्य रखना पड़ेगा। बात करें आज के कारोबार की तो 119 रुपये 10 पैसे से ओपन हुआ, 123 रुपये 80 पैसे आज इसने डे का हाई बनाया, 118 रुपये 20 पैसे ONGC का आज का लो प्राइस रहा और 122 रुपये 15 पैसे पे ONGC ने आज क्लोजिंग दी है। आज की डेट में नेशनल स्टॉक एक्सचेंज पर 2,72,42,637 की क्वांटिटी में शेयर ट्रेड किए गए हैं, जिनमें से 58,69,700 के करीब में जो है शेयर्स की डिलीवरी उठाई गई है। तकरीबन 21.55% के करीब में यहाँ पर माल उठाया गया है। नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए कि ये एनालिसिस और ये जानकारी आपको कैसे लगी, क्या आपको ONGC में निवेश करना चाहिए या नहीं। यदि आपने निवेश करके रखा है तो कितने
प्राइस लेवल पर निवेश किया है। मुझे उम्मीद है कि ये वीडियो आपको ज़रूर पसंद आया होगा। यदि ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ इस वीडियो को अधिक से अधिक लाइक कीजिए ताकि हमारा मोटिवेशन बढ़ा रहे। नए हैं जेके एरोटेक पर, फर्स्ट टाइम इस वीडियो को देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। वीडियो देखने के लिए और इतना सारा प्यार देने के लिए आप सभी लोग का तहे दिल से एक बार फिर से बहुत बहुत धन्यवाद। गुड नाइट, शुभ रात्रि।